हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे, इतना सारा कंटेंट हो, मैं देखूं तो कब देखूं, कैसे देखूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई, इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी, मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी इस कभी नो। तो माय डेमन नाम का नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आया है भाई, सस्पेंस थ्रिलर, सुपर नेचुरल पावर वाला ये डेमन है, और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग दो ही भाई, इन दोनों के बीच में एक प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार में बहुत सारी मतलब वहाँ पे चीज़ें भी आ जाती है, विलन आ जाता है भाई, हीरो हीरोइन है तो विलन तो होगा ही। तो भाई मतलब ये बहुत ही बेहतरीन एक वेब सीरीज, जिसके ऑलरेडी सारे एपिसोड्स मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो मतलब यार इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब एक रीकैप कर लेते हैं, अब इससे पहले क्या हुआ। तो भाई अब हमने देखा था कि दो ही और जो हमारे डेमन है ना भाई, जंगवा भाई, उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। एंड पहले तो उनको लगता है कि यार एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा विलन एक दूसरे पे अटैक करते जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से पहले मतलब दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि यार ये जो प्यार है ना भाई, हमारे बस की बात है नहीं, अब जो भी हो जाए हम दोनों साथ में झेलेंगे, चाहे जिएंगे मरेंगे जो भी होगा, लेकिन साथ में ही करना है। तो फिलहाल वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं, तो अब देखते हैं आगे। तो जंगवा एंड दो ही एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं भाई, मतलब शादी के बाद प्यार हुआ, इकरार हुआ, सब हो जाता है। एंड अब वो इस हद तक प्यार करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई एक दूसरे के सिवा हम कहीं नहीं जा पाएंगे, ना रह पाएंगे, डेमन हो या मतलब नॉर्मल इंसान हो, भाई प्यार के आगे सब झुक ही जाते हैं। वैसे ही हमारा जंगवा जो हमारे डेमन है भाई, दो ही के प्यार के सामने, उनकी जो केयर है, जो मतलब जिस तरह से वो जंगवा की पूरी केयर करती है, उस वजह से वो उन पर फिदा हो जाते हैं, दोनों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी यहाँ पे शुरू हो जाती है। पार्क में साथ में जाना, खाना साथ में खाना, ब्रेकफास्ट, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें वो दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, जिस वजह से उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ते जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लव स्टोरी यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो जंगवा जब भी भाई मतलब दो ही के साथ रहना शुरू कर देते हैं, उनके कुछ सपने उनको आने लगने लगते हैं। पहले ये सपने नहीं थे भाई, वो एक बहुत ही डैशिंग वाले इंसान, मतलब इंसान नहीं यार, डेमन थे, लेकिन जब से शादी हो गई तब से उनको कुछ कुछ सपने आने शुरू हो जाते हैं। उन सपने में उनको एक लेडी दिखती है, लेकिन उसका चेहरा उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनको थोड़ा सा लगता है क्या ये मेरे प्रीवियस लाइफ का सपना मुझे आ रहा है। तो यहाँ पे भाई विलेन तो हमें ऑलरेडी एंट्री मार चुका है, तो नोदो गैंग जो भाई हमारे जो नोसुमिन जो है ना भाई, ये उनके बेटे होते हैं, तो दो ही जिस गार्डियन का पूरा एक कंपनी चला रही है, उनके बेटे होते हैं नो स्यू मिन, और उनके बेटे होते हैं नोदो गैंग। तो भाई नोदो गैंग एक मतलब अटैक, मतलब वो बहुत ही बिगड़ेल ऐसा एक रईस ज़्यादा बेटा होता है, और उनकी बहुत ही गंदी आदतें होती है, बहुत सारी लत होती है भाई, क्या मतलब पूरी दारू ले लो, सिगरेट ले लो, जो नाम है भाई वो सारी आदतें उनकी होती है, और उनका थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस हो चुका होता है, लेकिन कोई उन पे उनको घर पे ध्यान नहीं देता है, ना उनकी मम्मी ना नोसोमिन। तो लेकिन अब हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि नोसोमिन जो उनके फादर है ना भाई, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं भाई, उनको ऐसे लगता है कि ये बेटा जो है ना, इसको नींव उसकी पकड़ के रखनी है, तो कभी अगर वो उनकी बात नहीं सुनता है तो उनको मारते हैं। तो कोई ऐसा फादर अपने बेटे के साथ कैसे कर सकता है, लेकिन ये नोसुमिन जो होते हैं ना भाई, वो पूरे उनको बस जायदाद पैसे इसके पीछे ही वो हमेशा भागते रहते हैं। तो जब उनकी मम्मी चूसुक जो भाई पूरी उनकी जायदाद दो ही के नाम कर देती करने लग जाती है भाई, तब वो पूरे पागल हो जाते हैं, उनके ऐसे लगता है मेरी खुद अपनी मॉम, मेरे पूरे जो हक का पैसा है, इतनी सारी कंपनीज है, बड़े बड़े बंगले, वो सारे दो ही के ऐसे ही कैसे दे सकती है। और मतलब यार उनका भी थोड़ा सा मेंटल इंबैलेंस होता ही है, और उनको बहुत ज्यादा विलन कैरेक्टर दिखाया गया है। तो यहाँ पे नोदो गैंग का पूरा फोकस पहले ऐसा था कि भाई वही शायद विलन है, लेकिन फोकस भाई इस एपिसोड में पूरा अब आ जाता है नोसुमिन पे। तो नोसुमिन जो अपने बेटे को भी बहुत डरा डरा के रखते हैं, और उनकी बीवी के साथ भी वो बदसलूकी करते हैं, मतलब इतना बड़ा घर, इतने सारे पैसे, सब होने के बावजूद ये बंदा जो होता है ना, पूरा भयंकर आदमी होता है, उसको बस पैसा चाहिए होता है, दो के खिलाफ वो खूब सारी प्लानिंग करता है,
और जितने सारे अटैक अब तक हो चुके हैं, इस एपिसोड में पता चलता है कि वो नौ दो ग्यारह दिन नहीं किए हैं, वो सारे अटैक नौ सो मिन ने किए हैं, जो जू चू सूप के बेटे हैं। ओ माय गॉड, पैसों के लिए, उनकी सारी कंपनी सारी जायदाद हासिल करने के लिए अब वो इस हद तक जाते हैं कि वो ऑलरेडी दो तीन अटैक भाई दो दो ही पे कर चुके हैं, और अब उन्होंने एक अटैक जेंगवा पे भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक अटैक जब जेंगवा पे हो चुका था, तब भाई वो जो किलर होता है ना, उनका फेस वो देख लेते हैं। तो अब वो सोचते हैं अगर इस किलर को ढूंढना है, उसे अगर पकड़ते हैं तो ही शायद दो दो ही पे फिर से अटैक नहीं होगा। इसलिए वो भाई एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो सारे मेरे मतलब जो भी मैंने देखा था किलर का चेहरा, उसे देख के एक स्केच बना ले। अब उनको हल्का सा एक चेहरा उनके सामने आ जाता है कि ये है वो इस किलर का चेहरा। लेकिन अब उन्हें लगता है कि कैसे मैं दो दो ही को इस सबसे बचाऊँ। तो वो एक लेडी से मिलने जाते हैं। भाई वो एक भिकारन टाइप पहले एपिसोड से बैकग्राउंड में बहुत बार चलती रहती, लेकिन इस एपिसोड में उस लेडी को एक्चुअल में दिखाया गया है कि वो एक लेडी दो वो भिकारन टाइप दिखती है, बहुत गरीब दिखती है, लेकिन वो है गॉड। तो मतलब माई डेमन में जो गॉड है वो एक काइंड ऑफ भिकारन दिखाई गई, लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज एक लेडी दिखाई गई है टिल द एपिसोड। हमें कुछ उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन इस एपिसोड में पता चलता है जब डेमन हमारे जेंगवा जो है भाई वो उस गॉड को मिलने जाते हैं, उस लेडी को मिलने जाते हैं, और उसे कहते हैं आगे मेरे नसीब में क्या लिखा है, दो दो ही की जान मैं कैसे बचा सकता हूँ, अब तू ही मुझे हेल्प कर। गॉड कहते हैं भाई हर इंसान के सामने हमेशा दो चॉइसेस होती है, जब भी हम चॉइस करते हैं उस हिसाब से भाई तकदीर बदलती जाती है। तो अच्छा वाला चॉइस किया तो अच्छी तकदीर मिलेगी, बुरा वाला चॉइस किया तो भाई बुरी ही तकदीर आने वाली है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। तो भाई अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारा जेंगवा परेशान हो जाता है, उनको लगता है कि दो दो ही की जान मेरी जो मतलब यार जो बे इंतहा वो दो दो ही से प्यार करने लग जाते हैं, तब उनको लगता है कि इसको अगर बचाना है तो शायद एक ही रास्ता बचा है कि इसकी ज़िंदगी से मैं मतलब हट जाऊँ, तो ही शायद वो ये जो पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से काट सकती है। अगर मैं उसकी लाइफ में रहूँगा तो उस पर जो अटैक चल रहे हैं वो या भी जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है वो शायद मेरी वजह से हो रहा है। तो अब वो गॉड को पूछ के उनको लगता है कि यार एक ही रास्ता बचा है, कल से मैं बस दोनों ही की ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगा। तो ये सोच के भाई वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, पूरे दिन रात दो तीन दिन बस वो दोनों ही को कहते हैं तुम काम पे मत जाओ बस मेरे साथ रहो। तो वो एक डिसीजन ले लेते हैं कि ये जो मिजरेबल लाइफ दोनों ही की मेरी वजह से बन रही है वो मैं बनने नहीं दूंगा। उसकी लाइफ में बहुत ही जो है ये इतनी लवेबल और केयरिंग है भाई, उसकी लाइफ ऐसी अच्छी बितानी चाहिए। तो अब वो सोच लेते और ठान लेते हैं कि बस इसकी जिंदगी से गायब होना है। यहाँ पे उनका जो स्केच आ जाता है तो वो सोचते हैं इस बंदे को शायद कहीं पे देखा है। यहाँ पे जो हमारे विलन है ना बाय गॉड लंबो गैम्बो जो है भाई वो ऑलरेडी नेक्स्ट अटैक के तैयारी में आ चुके हैं। तो जो नोसुमिन है भाई वो मतलब इतना जुल्म करते हैं नौ दो गैंग अपने बेटे के साथ, तो उनका बेटा अब सोचता है कि एक ही रास्ता बचा है, बस इस दो दो ही को मैं मार दूंगा, अगर वो मर जाएगी तो शायद मेरे फादर को अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी भी जायदाद के पीछे वो पड़े हैं वो सारी उनके नाम हो जाएगी। तो भाई अब मतलब इस हद तक अब नोसुमिन जो है ना भाई उनको पता चल जाता है कि ये जो जेंगवा है ना भाई ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, मतलब हमारे विलन को हमारा जो हीरो है ना माई डेमन उसके बारे में थोड़ा सा क्ल्यू मिल जाता है कि ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं। शायद जिस तरह से वो हमेशा दो दो ही को बचाने आ जाता है, हर एक अटैकर उनका जो बंदा होता है वो जब भी अटैक करने जाता है तो वो वहां पे जिस तरह से आ जाता है शायद ये एक नॉर्मल इंसान है नहीं, ये कोई और है। तो वो अब उनका जो बेटा है अब वो सोचता है कि पापा का ये जो चल रहा है ना ये सब चक्कर से बचने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि दो दो ही को और जेंगवा को किसी तरह मार दिया जाए। उनके बेटे को तो ये पता नहीं है ना कि जो हमारे डेमन है ना भाई मतलब जेंगवा जो है वो डेमन है, उनको लगता है ये नॉर्मल दो इंसान है तो इनको अगर मार डालूंगा तो मेरे पापा खुश हो जाएंगे, एंड जो भी मतलब जो बदसलूकी वो मेरे साथ कर रहे हैं वो बंद कर देंगे क्योंकि सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी। तो यहाँ पे भाई डेमन सोचते हैं कि तो जेंगवा जितना भी टाइम बचा है भाई दो दो ही के साथ बिताना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बस हमें एक जगह पे जाना है, वहाँ पे हम दोनों साथ में जाएंगे, एक रात साथ में बिताएंगे। उसके बाद वो खुद मन ही मन डिसाइड कर लेते कि बस यही वो रात है जिस दिन के बाद मैं दो दो ही की लाइफ में
से चला जाऊंगा। तो भाई वो एक दिन पूरा प्लान करके दो ही के साथ दोनों निकलते हैं, गाड़ी में वो निकलते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे नोदो गैंग है ना भाई, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अब जाएंगे और दो ही को मार दिया जाए। तो वो उनका पीछा करने लगते हैं, उनको लगता है उनके जो फादर है नौसोमीन भाई वो खुश हो जाएंगे, इसलिए वो पीछा करते करते एक जगह पे, जिस जगह पे भाई जाएंगे और पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं, उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं और दो ही कुछ सामान लेने उस पेट्रोल पंप के पास एक दुकान होता है उसके अंदर चली जाती है। लेकिन भाई उनका पीछा करते करते नोदो गैंग उनके पीछे आते हैं और अब यही एक मोमेंट है जब उनको पता है कि उनके उन पे दोनों पे अटैक करना है। लेकिन फिलहाल तो उनको बस दो ही के मारने का भूत सवार है, तो वो उनकी गाड़ी खुद लेके उस दुकान के अंदर घुस जाते हैं। तब पूरे दुकान को पेट्रोल और पूरे आग की वजह से भाई वहां पे आग लग जाती है और दुकान के अंदर दो ही वहां पे होती है और उस पूरे से वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर दो ही मर जाती है। बाय गॉड यहाँ पे जाएंगे अब पूरे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और डिप्रेशन में वो उनको हेल्प करने के लिए अंदर घुसते हैं। तो अब इतनी बड़ी आग में भाई वो दोनों अंदर घुसेंगे तो क्या ही होगा, दो ही तो ऑलरेडी यहाँ पे मर चुकी है और जेंगवा वो भी वहाँ पे अंदर जाके उनके बचाने के वक्त शायद वो भी मर जाते हैं क्योंकि एक डेमन को आग से बचना भी मुश्किल होता है। तो भाई वो उनको बचाने के जो चक्कर है ना भाई, उनके सामने अगर दो ही मर जाती है तो वो भी मतलब पूरा मर ही जाते हैं। तो यहाँ पे भाई एपिसोड अब ख़त्म होता है, तो आगे क्या होगा, दोनों अगर आग के लपटों में मर जाते हैं तो आगे ये लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, जो मतलब जो हमारा विलन है ना भाई नोदो गैंग वो मर जाता है और बच जाता है और उनके साथ क्या होता है, इसके लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड ही देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल जिसका नाम है कभी एज़ कभी नो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी एज़ कभी नो। टिल देन बहुत सारी मूवीज देखें, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।